सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका PNKYT गेमिंग चैनल में। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैं बात करना चाहता हूँ उस टॉपिक के अंदर जो टुमोरो जो पेपर है अपना RBSC क्लास 10th का, जिसके संबंधित में, इंग्लिश से संबंधित मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि हाउ टू फेस टुमारो एग्ज़ाम, हाउ टू फेस टुमारो एग्ज़ाम, कि कल के एग्ज़ाम को अगर बात आ जाए कि कल ही एग्ज़ाम आ गए तो उसको अपन कैसे फेस करें, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही हाई लेवल से होते हैं, तो वो तो फिर 12 महीने की बढ़िया तरीके से अच्छे से स्टडी करते हैं, तो वो होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं डल, उनसे संबंधित अगर अपन बात करें, तो जो डल जो बच्चे होते हैं उनमें क्या कहेंगे अपन, जो उनसे मेरा यही कहना है कि आप तो जो RBSC के पैटर्न्स एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दे रखा है, फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसी में आप पास हो। अगर आप पास होने के लिए ही पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में ही पास हो, क्योंकि 7 नंबर का तो फर्स्ट नंबर का पैसेज आ जाएगा और सेकंड नंबर में भी वही 7 नंबर का वो आ जाएगा, तो 14 नंबर तो ऐसे हो गए। बात रही उनमें जो विच मीन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंस बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ते हैं। तो पास तो तुम वहीं हो जाओगे, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो तुम्हें तुम्हारी राइटिंग जो स्किल है, या फिर राइटिंग जो तुम्हारा जो सेक्शन जो रहेगा उस कॉपी में, वो सबसे पहले क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या नहीं लिखना, क्या लिखना है, तो उससे संबंधित मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है BNKYT गेमिंग चैनल में। बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो जाते ही अच्छे से रोल नंबर अपनी कॉपी में भरे, उसके बाद दूसरे नंबर पे लैंग्वेज वैंग्वेज आप चुन ही लोगे, लैंग्वेज में कोई दिक्कत है ही नहीं, इंग्लिश में रोल नंबर पहुंचता है, ये सब आप घर से कर लेना, या फिर नहीं आए तो कमेंट पे करके बता देना मुझे कि रोल नंबर इंग्लिश में मैं बता दूंगा आपको, और अगर यदि समझ कोई भी और प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट में बता देना। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में ये हो चुका है, और पॉइंट नंबर फर्स्ट जो उसमें पेपर में आता है, तो वो पहले नंबर पे ही बच्चे को बता देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या रहता है पहले नंबर का पॉइंट, कमेंट करके जरूर बताना, या फिर मैं अभी बताता हूँ। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब मेरी बात सुनो आप, अगर आप मैं डल बच्चों की बात कर रहा हूँ, केवल डल बच्चों, अब वो डल जो बच्चे होते हैं उनके पास होने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं केवल पास होने वाले के लिए, बच्चों के लिए कह रहा हूँ। अगर आप सारे प्रश्नों का कहीं ना कहीं से जवाब दोगे, भले आप पेपर में से पैसेज में से ढूंढ के लिखोगे, जो गोल्डन रेज हैं, रिजोल्यूशन वाले जो चैप्टर हैं, सारे के सारे जितने आंसर हैं, पोइम्स हैं अपनी 4 या 5 जो भी हैं उनके, और उसके बाद वो क्या है एक्सप्लेनेशन जो है हमारी, उसको अगर तुम कहीं ना कहीं से अगर पेपर में से भी लिखोगे, एक हमारा फॉर्मेट जो होता है वो फॉर्मेट फॉर्मेट बिल्कुल सही रहना चाहिए। हाँ, तो अगर आप पूरे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हो तो आप उसके एलिजिबल हो जाते हो कि आपके नंबर देने चाहिए, और अगर आप क्वेश्चंस छोड़ देते हो तो आपके पास एक ब्लैंक पेज रहेगा, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब एक प्रकार से खाली पेज, तो खाली पेज में आप कैसे, मतलब जो एग्जामिनर रहेगा या फिर जो चेकर रहेगा तुम्हारी कॉपी को, उसमें कैसे नंबर दे सकता है वो, दोस्तों इस बात को आप समझ सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों से, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू यू, आपसे सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रश्न को एक भी नहीं छोड़े, प्रश्न एक भी नहीं छूटना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो बात आती है, बिल्कुल कॉपी से संबंधित बात मैं जो कर रहा था अभी, कॉपी से संबंधित बात, जो तुम्हारा जो वहाँ पर नोटबुक होगा, नोटबुक जो तुम्हारी वहाँ पर होगी, तो उसमें है जो एक हाशिया बनाया रहता है, तो उस हाशिए के तुम्हें जो क्वेश्चन नंबर जहाँ पर तुम लिखते हो, तो उसके साथ आंसर लिखने की एक तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन नंबर लिख दो बस, क्वेश्चन आंसर आंसर शीट तो वो है ही सही, तो आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है और उसमें टाइम गंवाना नहीं है। ये स्पेशल जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो तुम हैं जो मैं आपको अभी एक कॉपी लाकर ही बताता हूँ, 1 मिनट रुकना।
ये देखिए दोस्तों, जो कॉपी है उसमें इस तरफ एरो का साइन आएगा, इस तरफ क्या आएगा, एरो का साइन, ये लाइन है ये एक प्रकार से, ठीक है। आपको थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा, फ्रंट कैमरा है इसलिए। तो इसमें तुम्हें है जो पहले नंबर का ये पहला डाल दिया भाई, ठीक है। पहला अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अंडरलाइन हल्का सा करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है जो, अब इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर, तो तुमने सारे इधर डाल दिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको, अगर क्वेश्चन पूरा हो चुका है, क्वेश्चन पूरा हो चुका है, तो फिर आपको एक या दो लाइंस छोड़कर उसके बाद दूसरा का आंसर आपको लिखना है। आंसर लिखे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखेगा तो भी चल जाएगा, इट इज़ अ सेव टाइम, ये हमारे टाइम को बचाता है। और उसके बाद में तुमने जो स्पेशली जो बात बताना चाहता हूँ, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन का जो सब नंबर है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका पैसेज जो होता है उसका सब नंबर आता है, तो उसने दे दिया भाई, जैसे पहला, ये पहला, दूसरा, तो इसको कॉपी के इस तरफ नहीं लिखकर तुम्हें ये यहाँ पर लिखना है दोस्तों, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देकर फिर आपको आगे बढ़ना है ऐसे ही। दो इसमें फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर, फिर उसके बाद थर्ड नंबर, लाइन वाइज लाइन छोड़ते जाओगे। जैसे ही सब नंबर कंप्लीट होते हैं वैसे ही आप इसको करते जाओगे। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे। और RBSC क्लास 10 से संबंधित अगर तुम्हारे कोई भी दिक्कत है, कोई भी, कोई चैप्टर में दिक्कत है, कोई पोइम में दिक्कत है, या फिर द बुक डेट सेव द अर्थ में दिक्कत है, ऑन वायोलेंस में दिक्कत है, उसके बाद है जो चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ में अगर आपके दिक्कत है, द टेल ऑफ द बिश्नोई जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें दिक्कत है, 5th नंबर का जो हमारा चैप्टर है शायद अ हीरो उसमें है, या फिर उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 6 व्हाट अ मिस विद अस में ऐसे संबंधित, और पोइम्स जो है हमारी रिस्क है, माई गुड राइट हैंड है, उसके बाद द लोटस है, और उसके बाद है एन इलीजी ऑन अन इलीजी ऑन अ मैड डॉग के ऊपर है, वो इलीजी है एक प्रकार से। अगर पोइम से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत है, गोल्डन रेज में कोई सा भी चैप्टर हो, बिट्रेल ऑफ फेथ वाला हो, कोई सा भी हो, पूछ सकते हो आप बिल्कुल भी। और उसके बाद जो हमारी बची गोल्डन रेज को, सॉरी रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन से संबंधित भी आप मेरे से कोई भी पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न आप पूछ सकते हो। शब्द सीमा का दोस्तों ध्यान रखे, धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।